दर्शक नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है कानपुर नगर से, जहां कानपुर गंगे के नाम से गंगा जी ठगी जा रही हैं। नमामि गंगे के नाम से, नमामि गंगे के नाम पर शहर भर में खुदाई का काम हुआ। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने तरह तरह के कार्य किए, पूरे शहर को गड्ढों से भर दिया। कानपुर नगर में जगह जगह पर रोड नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत खुदी हुई जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन होते रहते हैं हादसे। कानपुर थाना चकेरी अंतर्गत श्यामनगर के मुख्य मार्ग 150 फीट रोड विगत 2 वर्ष पूर्व से गहरी सीवर लाइन की खुदाई के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जो कि वर्तमान में बड़े बड़े गड्ढों में बदल चुकी है, जिसके कारण प्रतिदिन घटनाएं होने से जनहानि हो रही है। 12 दिसंबर को श्यामनगर के मुख्य मार्ग पानी टंकी के पास एक हृदय विदारक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इसी घटना को लेकर वार्ड 74 श्यामनगर के पार्षद राजीव सेठिया व क्षेत्र के लोग आज 15 दिसंबर को श्यामनगर मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और अपनी समस्याओं को महापौर, नगर आयुक्त, शासन व प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया। धरने पर बैठे लोगों में से राजीव सेठिया, वार्ड 74 पार्षद बालेंद्र यादव, चंदन तिवारी, सुशील निगरानी, राकेश राजपूत, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव इत्यादि मौजूद रहे। कानपुर नगर से संवाददाता फैजल इराकी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम है, जिससे भारी ट्रक वाहन यहाँ पे डेली आते जाते रहते हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। परसों भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो लोगों ने 1-2 घंटा तक जाम लगाया, ट्रक को जलाने का भी प्रयास किया, मगर हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसको समझा बुझा खत्म करा। मगर ये सड़क अब खूनी होती जा रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, चुठल हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा जो शहर में बनी हुई रोडें हैं उनको दोबारा बनाया जा रहा है, मगर जो ये खस्ता हाल रोड है, जो श्यामनगर का मुख्य मार्ग है, जो रामा देवी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यशोदा नगर को जोड़ता है मुख्य मार्ग है, ये पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है बाईपास को जोड़ने वाला। तो हमारी ये मांग है कि जो कुंभकर्णी नींद नगर निगम सोया हुआ है, जो जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब लोगों की अब जान माल को खतरा हो गया है, कि लोगों का अब जीवन अपना जाने लगा है, इसके लिए मैंने ये प्रदर्शन करा है कि जब तक इस मार्ग को नहीं बनाया जाएगा, तब तक मैं शांतपूर्ण ढंग से इसी जगह पर मैं बैठा रहूँगा। और मगर आपने जो इस समस्या के लिए अनिश्चितकाल धरने के लिए बैठे हुए हैं, इसको लेकर आपकी किसी उच्च अधिकारी से कोई बात हुई है, किसी ने कोई आश्वासन दिया है? अभी एसएम सेकंड जी से मेरी फ़ोन पे वार्ता हुई, उनसे परमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, मगर प्रशासन लोकतांत्रिक अधिकार जो होते हैं कि शांतपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको भी दमन करा जा रहा है। फोर्स लगातार इस धरने को ख़त्म करने के प्रयास में खड़ी है, कुछ समय बाद वो शायद कोई कानून का वास्ता देके गिरफ्तार कर सकती है, मगर जब तक मैं हूँ यहाँ पे अनिश्चितकालीन मैं बैठा रहूँगा। सबसे पहले दिया जा चुका है, प्रशासन बाधित हो रहा है इसमें? हाँ, प्रशासन को वही शांतपूर्ण तरीके से देख रहे हैं आप, ना मार्ग अवरोध किया गया है और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए 30-40 लोगों शांतपूर्ण ढंग से इस प्रदर्शन को कराया जा रहा है कि ये आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँच सके, मगर ये चीज़ को रोका जा रहा है। मुख्य मार्ग को सही कराओ, सही कराओ, सही कराओ, अरे मुख्य मार्ग को सही कराओ, सही कराओ, सही कराओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे लोगों की जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ, अरे लोगों की जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें।